हेलो फ्रेंड्स, निर्माण बीएड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का वीवीआई क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस को देखेंगे और इसे समझने और जानने का प्रयास करेंगे। राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, बट जो भी कंटेंट है, इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए पूरा वीडियो का आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या की प्रकृति, उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में। तो रियल में देखिए तो पाठ्यचर्या का को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं और पाठ्यक्रम को सिलेबस कहा जाता है। और जो करिकुलम का ही एक पार्ट सिलेबस होता है। तो इस प्रकार करिकुलम का अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है और सिलेबस का अर्थ एक छोटा रूप में लिया जाता है। लेकिन जनरली करिकुलम को पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम ऐसे हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम चलिए इसको समझने की कोशिश करें, प्रस्तावना जानेंगे। सबसे पहले पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरे से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यचर्या वह क्रम है जो व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। यह दौड़ के मैदान की तरह होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य का को प्राप्त न कर ले। दोस्तों, यहाँ हम समझने का कोशिश करेंगे कि जो ये पाठ्यचर्या है तो इसको इंग्लिश में हम करिकुलम कहते हैं। जनरली आप लोग देखिएगा कि ये जो वर्ड होते हैं लैटिन या ग्रीक से बना होते हैं, ज़्यादातर वर्ड लैटिन से ही बना होते हैं। तो पुराने ज़माने में यूनान में जो लैटिन ग्रीक भाषा थी, बहुत टॉप भाषा ही मानी जाती है, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा होती है। तो यहाँ आपको याद करने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ कुरेरो है, तो कुरेरो का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अब देखिए, ये दौड़ का मैदान हो गया। तो आप लोग देखते हैं, जैसे मानिए कि किसी वैकेंसी डिफेंस में जाना रहता है, तो वहाँ देखिएगा दौड़ कराया जाता है। तो जो उसमें जो भी बच्चे भाग लेते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि जितना मिनट, जितना सेकेंड, जो भी लक्ष्य निर्धारित है, इतना दौड़ना है तो दौड़ना है। जब वो दौड़ पूरा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार हमारा जो करिकुलम है, ये हमें मदद करता है हमारे लक्ष्य की पूर्ति करने में। तो साथियों, हम जैसे मुझे मैट्रिक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा उसका जितना करिकुलम तय है कि भाई बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू करिकुलम के अनुसार क्या होता है? सिलेबस तैयार किया जाता है। तो पूरा तैयार करते हैं तो हम क्या मैट्रिक करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं। और इसी प्रकार जैसे अभी हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो बीएड का भी क्या होता है? एक करिकुलम होता है। तो अब हमारा उद्देश्य बीएड करने का क्या है कि भाई बीएड करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम घर में बैठे रहेंगे, इसलिए कोई थोड़े इसमें पैसा फंसा रहा है। बीएड का एक ही लक्ष्य है कि भाई हम बीएड करेंगे तो हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना मिलेगा, DSSB का एग्ज़ाम देना मिलेगा, NBS हुआ, KBS हुआ, KBS का PRT, PGT, यानी कोई भी एग्ज़ाम देने में हम एबल हो पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा एक लक्ष्य निर्धारित हो जा रहा है, यही हमारा करिकुलम है। और इसको फिर हम समझने का कोशिश करेंगे। विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की को क्या किया जाता है? होना पाठ्यचर्या कहलाता है। देखिए, विद्यालय में एक टीचर होते हैं, और विद्यालय में क्या होते हैं, एक टीचर हो गए और एक आपको स्टूडेंट हो गया। तो दोनों के बीच में क्या रहता है? इंटरग्रेटेड रहते हैं एक दूसरे से, देखिए। और इसमें दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब प्रयास किया जाता है। उधर टीचर क्या प्रयास करता है कि हम अपने बच्चों को इतना बढ़िया ढंग से, इसकी जो भी टेक्स्ट बुक है, इसको बाहरी जीवन जिंदगी से जोड़ के इतना अच्छा समझाए पढ़ाए कि बच्चा क्या करे, अपने उद्देश्य का प्राप्ति कर पाए। तो कहने का सेंस है कि
हम स्टूडेंट भी मेधावी होते हैं, लगनशील होते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम इतना अच्छा से पढ़ाई करें कि हमें भी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों की प्राप्ति हो। और अभी जैसे बीएड है तो हम पढ़ना चाहेंगे कि भाई हम अच्छे से पढ़ाई करें कि हमारा नंबर भी अच्छा है कि नहीं, और प्लस हमें नॉलेज भी हो। तो इसमें दोनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, समझे ना आप लोग। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पाठ्यचर्या कहेंगे। अतः पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा एवं जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि एक साध्य होता है, एक साधन होता है। तो जो नॉलेज हो गया क्या हो गया, साध्य हो गया। लेकिन जो ये पाठ्य पुस्तकें होती है वो हमारे लिए साधन होती है। करिकुलम क्या हो गया, हमारे लिए साधन होती है, साधन होती है। और जॉब करना हमारे लिए क्या हो गया, साध्य हो गया। तो उसके बीच में जिस भी साधन का हम यूज करेंगे, जिस भी चीज़ों का, वो सब क्या हो जाएगा, हमारे लिए साधन हो जाएगा। तो उसी प्रकार करिकुलम भी हमारे लिए क्या हो गया, साधन हो गया। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक है जो करिकुलम को अपने अपने ढंग से डिफाइन किए हैं। बट हम लोग तीन जो फेमस हैं, तीन मनोवैज्ञानिक फिलोसफर लोग, उनके डिफिनेशन को जानने का प्रयास करेंगे। एक मुनरो है, एक कनिंघम है, और इनको जानने का प्रयास करेंगे। एक आपके फ्रॉवेल हैं। तो सब सर्वप्रथम हम लोग फ्रोवेल के बारे में जानेंगे कि फ्रोवेल ने करिकुलम को कैसे डिफाइन किया है। तो फ्रोवेल का अनुसार है कि पाठ्यचर्या संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। देखिए फ्रोवेल जो महाराज है, इनका कहना है, फ्रोवेल महाराज का कहना है, जो हमारा कुलकुरम है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारे मानव जाति ना, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे जो नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसी का क्या होना चाहिए, प्रतिरूप होना चाहिए, प्रतिमूर्ति होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे। ऐसा मानना है फ्रोवेल महाराज का। और मुनरो महाराज को देखिए, मुनरो सर महोदय जी ने एक क्या कहा है। मुनरो का कहना है, पाठ्यचर्या सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। देखिए मुनरो महाराज हैं, तो मुनरो महाराज कहते हैं पाठ्यचर्या जो है, पाठ्यचर्या क्या है, तो देखिए पाठ्यचर्या सारे अनुभवों को, यानी हमारे पास जितने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने में सम्मिलित करता है। क्या करता है, वो खुद में समाहित कर लेता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य किया जाता है। और जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, कि हमारा बालक क्या हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, साक्षर ही नहीं हो बल्कि शिक्षित हो। आप लोगों को तो मालूम होना ही चाहिए, जो हमारे महात्मा गांधी थे उनका कहना था कि वह साक्षर होना ही एजुकेशन नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे क्या हो, अनुभव, एक्सपीरियंस, हमारा व्यवहार, हमारे पास हुनर भी होना चाहिए, उसी को साक्षर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होता है, बस हमें साक्षर यानी पढ़ना लिखना ही नहीं, साक्षर तक मतलब होता है ओनली पढ़ना लिखना जानना, लेकिन शिक्षा का मतलब होता है जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो। तो मुनरो महाराज जी का यही कहना है। अब देखिए कनिंघम महाराज जी क्या बोलते हैं। कनिंघम का कहना है, पाठ्यचर्या शिक्षक के हाथ में एक साधन है। करिकुलम जो है क्या है, टीचर के लिए एक साधन है, जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग विद्यालय जाते हैं, जैसे अभी बीएड के लिए हम लोग बीएड कॉलेज हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बीएड कॉलेज में, अच्छा बताइए आप लोग, यदि करिकुलम नहीं रहे तो एक टीचर को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप अगर पढ़े होंगे तो देखिएगा, जो 8th क्लास के NCERT में है उसमें डिफाइन किया गया है कि जो एडम्स का जो रिपोर्ट है वो मॉडर्न इंडिया में, कहा गया है कि कैसे पुराने ज़माने में क्या था, पुराने जो पाठशालाएँ थी उसकी स्थिति कैसी थी, ना टेक्स्ट बुक, ना करिकुलम, कुछ नहीं था। ऐसे ही कहीं खुले स्थान पे बरगद के नीचे, या किसी मंदिर के कोने में, या किसी गुरु के घर पे कहीं भाई बच्चों को पढ़ाया जाता था। और उस समय क्या होता था, कोई फीस निश्चित नहीं थी, कोई बेंच नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं, मतलब किसी प्रकार कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, ऐसे पढ़ाई कराया जाता था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को सुगठित अनुशासित कैसे होता है, करिकुलम के द्वारा ही होता है।
तो देखिए कनिंगम महाराज का कहना है, करिकुलम शिक्षक के हाथ में क्या है, साधन है, जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। उसी के द्वारा वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, आइडियल उसके एम को और विद्यालय में ढाल सकता है और उसके उद्देश्य पूर्ति में भी क्या करता है, एक साधन का काम करता है। अब देखिए, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि आखिर करिकुलम का नेचर क्या है। देखिए नेचर क्या है, तो करिकुलम का नेचर क्या है, अब इसका नेचर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पाठ्यचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है। किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो करिकुलम क्या होता है, उसका मूल बेस होता है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती है। हमारा एजुकेशन का जो भी प्रोसेस है, जो भी आधारशिला है, किस पर सेंटर्ड होती है, करिकुलम पर सेंटर्ड होती है। अब BED के जैसे टीचर हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग टू करिकुलम ही पढ़ाएंगे। अब हम ही लोग को जो जो पढ़ना है कि भाई फर्स्ट ईयर में आपको जैसे इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, C1, C2, C3, C4, C5, मतलब C6, मेथड C7, तो सेम वैसे ही हमारा जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम, तो नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ रहे हैं तो क्या है, ऑलरेडी करिकुलम बना हुआ है, तो उसमें समझाने का कोशिश इसमें हम समझेंगे करिकुलम क्या है, जिसको हम लोग अभी समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिए नेचर हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका नेचर जानेंगे, पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। देखिए पाठ्यचर्या कैसे होती है, सदैव पूर्ण नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार एकाएक विकसित नहीं किया जा सकता। देखिए करिकुलम क्या है, अचानक किसी चीज़ को एकदम आप डेवलप नहीं कर सकते, इसके लिए क्या होता है, एक क्रम की आवश्यकता होती है। तो जिसमें निहित क्रिया एक्टिविटी होती है, उसी के अनुसार क्या किया जाता है, एकाएक विकसित नहीं किया जाता है बल्कि एक नियोजित ढंग से विकसित किया जाता है, ऐसा हमारा करिकुलम का प्रकृति होती है। उसके बाद सेकेंड में देखिए, पाठ्यचर्या अध्यापक के अनुदेशों को नियोजित करने में सहायक होती है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारा करिकुलम है क्या करता है, टीचर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको नियोजित करने में सहायता करते हैं, उसको क्या एक दिशा देते हैं, अधिकम अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही पाठ्यचर्या के क्रिया के प्रभाव का निर्धारण करती है। देखिए हमारा जो करिकुलम है वही है जिसके द्वारा हम बढ़िया ढंग से अधिगम प्रभाव को प्राप्त करते हैं। और अधिगम क्या होता है, आपको तो मालूम होना चाहिए, अधिगम एक जटिल प्रोसेस है, आसानी से नहीं होता। अधिगम करने में हमें क्या होती है, सहज से स्वाभाविक रूप से हम ग्रहण नहीं करने पड़ता कर लेते, अधिगम हमारे कठिन प्रयासों के द्वारा हम सीखते हैं। अब मैंने कि आपको अभी आप हम लोग अधिगम कर रहे हैं, तो क्या आपको इसमें मेहनत नहीं लग रहा है, इसमें मेहनत लग रहा है। तो अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही पाठ्यचर्या के क्रिया के प्रभाव को निर्धारित करती है। अब देखिए थर्ड नंबर पे आएंगे, कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है। देखिए अब करिकुलम जो बनाया जाता है एकदम एक ही जैसे नहीं बनाया जाएगा। अब आपको देखिए, अब मैट्रिक का अलग करिकुलम रहेगा, इंटरमीडिएट का अलग रहेगा, BED का अलग रहेगा, वही आप चले जाइए CTET का अलग है, फिर आपको कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं MED का अलग होगा, मैंने हर चीज़ का अलग, ये नहीं कि एक ही चट्टा बट्टा ना सभी चीज़ बना दिया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जाने का प्रयास करेंगे, कक्षा में पाठ्यचर्या न केवल लचीली व्यवस्था प्रदान करती है बल्कि अधिगम के सार्थक विकल्प भी खोजने में मदद करते हैं। देखिए करिकुलम केवल जो हमारे टीचिंग को ही, जो हमारे कक्षा में टीचिंग होती है उसी को ही सुविधाजनक नहीं बनाती है, लचीली फ्लैक्सीबल नहीं बनाती है, बल्कि अधिगम के सार्थक विकल्प खोजने में मदद करती है। तो इस प्रकार हमारा करिकुलम होता है। अब देखिए आगे पाठ्यचर्या का उद्देश्य जीवन से संबंधित, देखिए पाठ्यचर्या का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए।
जीवन से संबंधित मतलब हम NCF 2005 के बारे में आप लोग तो जानते हैं। NCF 2005 क्या कहता है कि हमें केवल रट्टू तोता नहीं बनाना है बच्चों को, यानी कि जो टीचर है उसको बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसको रोटिंग जो लर्निंग है उसे दूर रखना है, उसे कैसे बना उसे उसे क्या करना है, उसे उसे एजुकेशन अधिगम को क्या करना है, उसके बाहरी ज़िंदगी से भी जोड़ना है। तो इस प्रकार हमारा एजुकेशन होना चाहिए, तो उसी प्रकार हमारा करिकुलम होना चाहिए। तो करिकुलम का क्या उद्देश्य है, देखिए ये पहला बात जीवन से संबंधित होना चाहिए। हम जो भी सीख रहे हैं हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से काम आना चाहिए। अब ऐसा चीज़ ना सीख ले कि जो किसी काम का ही नहीं हो। अब सेकंड में देखिए शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। अब जैसे एजुकेशन हो तो ये नहीं कि बस पढ़ लिए किसी काम का नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो। जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसी के अनुरूप उसका करिकुलम होना चाहिए, तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। अब थर्ड नंबर में देखिए उसका है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि हमारा जो करिकुलम होना चाहिए एक चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब पहले के जो करिकुलम था, मतलब पहले के जो शिक्षा था कैसा था, टीचर सेंटर्ड था। जो टीचर बोल दिया मतलब टीचर का कहना था कि हर बार डंडे से समझाई जाती है, लेकिन अभी नहीं। अभी है कि टीचर जो एक फैसिलेटर के रूप में होना चाहिए, एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, और स्टूडेंट के अनुसार ही करिकुलम होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होते हैं वो मतलब वो घुटन फील नहीं करेंगे, सफोकेशन फील नहीं करेंगे, इजीली किसी चीज़ को सीख लेंगे। ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में है विविधता में लचीलापन। जैसे हम सभी जानते हैं हमारा जो इंडिया देश है तो विविधताओं का देश है। हम सब अलग हैं, हमारे यहाँ कदम कदम पे भाषाएं बदलती है, खान पान बदलता है, रीति रिवाज बदलता है, इसके बावजूद भी हम विविधता में रहते हुए भी एक हैं। आप लोग नेहरू जी के बारे में भी जानते होंगे, नेहरू जी ने क्या लिखा था कि हमारे यहाँ जो विविधता है कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, हमारे अंतर्निहित समाहित है। तो हमारे विविधता में क्या है, लचीलापन है। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, जैन है, सभी तरह के यहाँ धार्मिक लोग हैं, सबका खान पान अलग है, फिर भी हम कितने प्रेम भाव से सद्भाव से रहते हैं, यही हमारी भारतीय सभ्यता की पहचान है। तो इस प्रकार विविधता में लचीलापन तो समझ गए। अब हम नेक्स्ट समझेंगे आप लोग व्यक्तिक विभिन्नता। देखिए व्यक्ति विभिन्नता जो होती है तो ये कोई हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं होती है। देखिए विभिन्नता जो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट पे आज देते हैं, उनका भी कहना है कि देखिए अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी हर किलो अलग है। इस किसी के किसी को कहा जाता है अरे ये जो बच्चा है इसकी आँखें इसके माँ पे गई है, इसके नाक इसके पापा पे गया है, इसके बाल इसके नानी पे गए, अरे कुछ कुछ हम बोलते हैं सब क्या हेरिडिटी है। लेकिन कुछ हमारे फिलोसोफर का कहना है कि जैसे वातावरण का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसमें वाटसन महाराज प्रमुख है, उनका कहना है कि आप हमें एक दर्जन बच्चे दो, मैं चाहूँ तो उसे जो चोर बना दूँ, डॉक्टर बना दूँ, या कुछ भी बना सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तब व्यक्ति का विभिन्नता में अनेक कारण होते हैं, रुचि, योग्यता, अविक्षमता, इसी कारण तो एक ही क्लास में मानिए कि 30 बच्चे हैं, सबका नंबर अलग आता है, सबके विचार अलग होते हैं, ये क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए सामुदायिक जीवन से संबंध। देखिए हमारा जो करिकुलम होना चाहिए वो कम्युनिटी लाइफ से कैसे भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, कम्युनिटी से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम इंडिया में अभी जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारे अपने कम्युनिटी को समझना ज़रूरी है, तभी तो हम लोग मिलजुल के बढ़िया से रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समुदाय कम्युनिटी के लोग हो। अब नेक्स्ट देखिए उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है, देखिए आप लोग अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़े होंगे उपयोगिता क्या है। देखिए किसी भी चीज़ को टाइम और टेक्नोलॉजी द्वारा हम उपयोगी बना देते हैं, तो उपयोगी बना देते हैं तो चीज़ हमारे लिए रिसोर्सेस है। जैसे मानिए कि बहुत दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, गोबर है हमारे यहाँ वैसे पड़ा हुआ था तो उसको हम लोग बायोगैस बना दिया, तो गोबर एक क्या हो गया हमारे लिए, वो रिसोर्स हो गया, उसे हम रिसोर्स बना दिए। वैसे ही आपको जल है, जल से विद्युत बना दिए, पवन से आपको विद्युत ऊर्जा बना दिए, ज्वारीय ऊर्जा बना दिए,
करेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब उपयोगिता हम बढ़ा दिए। तो उपयोगिता कौन बढ़ाया, इंसान बनाया बढ़ाया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा कोई रिसोर्सेस है तो इंसान है, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, न्यूनतम ज्ञान। तो न्यूनतम ज्ञान द्वारा हम जब किसी चीज़ को उपयोगी बनाते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तो ऐसे ही करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई जीवन उपयोगी ही नहीं हो। अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हम देखिए, आप पियाजे का थ्योरी भी पढ़े मतलब पढ़िएगा, बीएड के बाद सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, बीएड के बाद सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा लो, तो उसमें देखिए व्यापक दृष्टिकोण होता है। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि देखिए एक बच्चा है, तो देखिए पियाजे का जो चार मतलब जो स्टेज मतलब स्टेज बताए हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सेंसरी, सेकंड होता है प्री ऑपरेशनल, और थर्ड होता है कॉन्क्रीट, और फोर्थ होता है फॉर्मल। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चा आपको रहता है प्री ऑपरेशनल में, यानी 2 से 7 वर्ष के इसमें, तो उसका दृष्टिकोण जब क्या होता है उतना व्यापक नहीं हो पाता है। मतलब वो एक ही चीज़ को, जैसे आप एक ही किसी भी चीज़ को एक ही एरिया को देखता है, जैसे 2+2=4 होगा, बस उसको रट लेगा 2+2=4। यदि आप कहिएगा कि 3+1 कितना होता है, नहीं समझा पाएगा। वहीं जब बच्चा कॉन्क्रीट एज में पहुंचता है तो उस समय उसे समझ में आ जाता है, तो उसका व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। सबसे ज़्यादा कब होता है, फॉर्मल में होता है, यानी जब हम 15+ होते हैं, 15 से ऊपर बच्चा होता है, तो क्या होता है, व्यापक उसका दृष्टिकोण हो जाता है। तो करिकुलम भी हमारा क्या कैसा होना चाहिए, करिकुलम भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे दृष्टिकोण को क्या बनाए, व्यापक बनाए, ना कि एकदम संकुचित करके रख दे, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास। देखिए अभी है तो अभी का जो एजुकेशन MCF है क्या है, सबसे ज़्यादा रचनात्मक क्रिएटिविटी पर ध्यान देता है, ठीक है, और सृजनात्मक शक्तियों का विकास। मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर की शक्तियों को बाहर निकाले, यानी हमारे क्रिएटिविटी का विकास हो, जिससे हम कुछ नया सोच सके। ये मतलब कितना एक ही चीज़ को कितना प्रकार से सोच सके, बना सके, कुछ हम अपने दिमाग पर ऐसा मतलब उसको विकसित कर पाएँ कि किसी दृष्टि हम ऐसा रचनात्मक और सृजनात्मक हमारा दृष्टिकोण हो जाए, जिससे व्यापक रूप से किसी चीज़ को समझने में हमारा मदद मिल जाए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि नीड ऑफ करिकुलम, आखिर जो पाठ्यक्रम है इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल VVIE है, इस साल के लिए बिल्कुल VVIE है। आपको मालूम है नॉलेज इन करिकुलम में तो करिकुलम पढ़ना ही है, ये स्पेशल है। माने कि हमारा जो कोर्स 8 है, स्पेशल कोर्स 8 है नॉलेज इन करिकुलम, जिसमें करिकुलम पढ़ना ही पढ़ना है।